हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो की रिक्वेस्ट मुझे काफी टाइम से आ रही थी कि आप अपना स्किन केयर रूटीन शेयर कीजिए, आप क्या लगाते हो क्या नहीं लगाते हो, है ना। सो अब मैं आपके साथ शेयर करूँ। मुझे ऐसे डीएम आते हैं कि हेयर के लिए सप्लीमेंट ले लें, स्किन केयर के लिए कोई मतलब ट्यूब बता दो, ये बता दो, वो बता दो। तो मैंने पर्सनली ऐसा कुछ नहीं करा, जो मैंने करा वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आई थिंक अगर आपके कुछ ज्यादा पिंपल है, लाइक मतलब बहुत ज्यादा है, तो अगर उस लेवल पे है तो पक्का आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, है ना, उसकी दवाई लेनी चाहिए। बट अगर आपको नॉर्मल, उसके लिए आप बिना डॉक्टर के पास जाए, बिना कोई दवाई लिए, अपने आप को थोड़ा सा चेंज करके आप उस चीज को टैकल कर सकते। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिकॉज इसमें एंड तक बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हैं फॉर श्योर, लड़की हो चाहे लड़का, दोनों के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं कौन सा फेस वॉश यूज कर रही हूँ वो मैं बताऊंगी। ये है वाओ का फेस वॉश, लिंक मुझे मिल गया तो मैं लिंक पे नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। सो ये है वाओ का एप्पल साइडर विनेगर और इसका प्राइस जो है वो 399 रुपीज है। क्वांटिटी इसकी 100 ml है, प्रॉपर में ही खत्म हो गया था तो मैं इसे मंगवा नहीं पाई, फिर अभी तक मैंने इसे नहीं मंगवाया, लेकिन मैं मंगवाऊंगी। बहुत अच्छा फेस वॉश है। अगर आप कोई अच्छा फेस वॉश ढूंढ रहे हैं तो आप ये यूज कर सकते हैं। जो क्वांटिटी आपको मिलेगी वो भी काफी सही है और प्राइस थोड़ा सा लाइक मान सकते हैं कि थोड़ा लिटिल एक्सपेंसिव है 400 का फेस वॉश, बट या अच्छा है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी काफी अच्छे हैं, आप रीड आउट कर सकते हैं, मैं पिक्चर डाल दूंगी या लिंक डाल दूंगी। एंड बहुत अच्छा फेस वॉश है, मैंने यूज करा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। सो जो सेकंड फेस वॉश है वो है न्यूट्रीजीना का ऑयल फ्री एक्ने वॉश। ये बहुत अच्छा फेस वॉश है, बहुत ज्यादा अच्छा। 175 ml इसकी क्वांटिटी है और इसका जो प्राइस है वो 600 है। एक्ने के लिए तो बहुत ज्यादा, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयल कंट्रोल भी आपका होगा। मैं इसे अप्रोक्स 1 month से यूज कर रही हूँ। मेरे ब्रदर का बहुत ज्यादा एक्ने और लाइक ऑयली स्किन है तो ये प्रॉब्लम उसे रहती है, तो उसने फेस वॉश यूज करना स्टार्ट करा था और उसको काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे थे। तो फिर मैंने भी ट्राई करा और मेरे को भी काफी अच्छा लगा। अगर आपको भी स्किन से रिलेटेड, ऑयली फेस और एक्ने से रिलेटेड कोई इशू है तो आप उसे ट्राई कर सकते हैं। इन दोनों फेस वॉश में से किसी के लिए आप जा सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी होम रेमेडी पे। सो मैंने हल्दी, बेसन एंड दूध लेके उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। जितनी क्वांटिटी आपने लगानी है उस हिसाब से आप ले लीजिए एंड देन अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। अपने हाथों से अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, कोई ब्रश यूज करना चाहते हैं तो ब्रश यूज कर लीजिए। ये होम रेमेडी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, जब भी पिंपल्स, टैनिंग, कोई भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो इसे आप यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छे से लगाने के बाद आपने करना क्या है, इसको कम से कम नहीं तो 15-20 minutes तक सूखने देना है। और जब आप कोई ऐसा दिखने लगे जैसा अभी दिख रहा है, सूखने देने के बाद आपने क्या करना है, अपना पहले देख लेना है अच्छे से सूख गया, एंड देन अपनी स्किन को थोड़ा सा पानी लेके गीला करके उसके बाद मस ऐसे इस तरीके से रब करके हल्के हाथों से साफ करना है धीरे धीरे। मतलब पूरा नहीं उतार देना, अच्छे से जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आपने पहले गीला कर लेना है एंड देन अच्छे से धीरे धीरे सॉफ्टली क्लीन करना है एंड देन आप अपना फेस वॉश कर सकते हैं। अभी जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, इसको करने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है मसाज मिल रही है स्किन को। एंड अब मैंने फेस वॉश कर लिया है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है ये, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं और पूछते भी हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं जो क्लिंजिंग में मैं यूज़ करती हूँ अपने फेस को क्लीन रखने में, बिकॉज क्लीन रखना मस्ट है। सबसे पहली चीज़ तो यही है। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ जो भी शेयर किया है ये मैंने पर्सनली यूज़ किया है, तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बिकॉज इसके रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना एज अप्रिसिएशन, एंड अगर आप एक प्यारा सा कमेंट करके जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, जिनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो तो उनके साथ ज़रूर शेयर करना। के लिए अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। वी विल मीट सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।